नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही पसंदीदा YouTube चैनल धर्मेंद्र अकेडमी। जैसा कि मित्रों आप सभी लोग थंबनेल पर देख पा रहे हैं और टुडे की सबसे बड़ी और बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है मित्रों। जी हां मित्रों, आप सही सुन पा रहे हैं, टुडे की सबसे बड़ी और बिग और ब्रेकिंग न्यूज है कि सी टेट और टेट की वैधता अब आजीवन भर होने पर विचार चल रहा है। मित्रों क्या है संपूर्ण इसका नोटिफिकेशन, उस पर चर्चा करेंगे मित्रों। और यदि आप हमारे चैनल पर न्यू विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के पश्चात में जो पास में बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि समय से लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मित्रों आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट न्यूज है मित्रों कि हमारा सेकेंड चैनल मैथ्स रीजनिंग गुरु आरंभ हो चुका है, जिस पर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी क्यों ना कर रहे हो उस पर बेहतर सिलेक्टेड और प्रश्नों की श्रृंखला आपको आरंभ कर दी गई है मैथ्स और रीजनिंग की। विशेषकर स्पेशल रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी आदि के लिए जो श्रृंखला है सिलेक्टेड वो प्रारंभ कर दी गई मित्रों। और जिस चैनल का लिंक यानी कि मैथ्स रीजनिंग गुरु जो कि हमारा सेकंड चैनल है उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा मित्रों। तो आप सभी अधिक से अधिक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में को चेक कीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और इस लिंक को, चैनल के इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी मित्र बंधुओं के साथ जो भी विभिन्न कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन सभी को इस लिंक को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए मित्रों। आप सभी से इतनी उम्मीद है मुझे कि आप सभी का जितना प्यार हमारे धर्मेंद्र अकेडमी को मिला है उतना ही इस चैनल मैथ रीजनिंग को मिलेगा मित्रों। तो शीघ्रता से यदि अभी तक आपने वीडियो का लिंक यानी डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक नहीं किया है वीडियो का तो उस पर चेक कीजिए, वहाँ पर इसका लिंक है, इस चैनल पर जाइए और इसको सब्सक्राइब भी कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए मित्रों। तो चलिए कि टुडे की जो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जो वीडियो है उसको आरंभ किया जाता है मित्रों। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि सीए सेंट्रल बोर्ड की ओर से क्या रिगार्डिंग एजेंडा आइटम नंबर 7 जो बेहद इंपॉर्टेंट है, इसमें आप सभी देख पा रहे हैं कंसिडरेशन ऑफ द इशू रिलेटेड टू एक्सटेंशन ऑफ वैलिडिटी ऑफ टीचर एलिबिटी टेस्ट फ्रॉम 7 years टू लाइफ टाइम, यानी कि यह संशोधन किया जा रहा है, कंसीडर किया जा रहा है, इस पर विचार किया जा रहा है कि इसको एक्सटेंशन किया जाए किसकी सीटेट वैलिडिटी, यानी जो सीटेट आप क्वालिफाई करते हैं उसकी जो 7 साल की वैलिडिटी है, यानी आप सभी लोग जानते हैं कि यदि आप सीटेट क्वालिफाई करते हैं तो आगामी 7 साल तक आप आगामी भर्तियों में जब भी उसकी आवश्यकता होती है उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो उसकी वैलिडिटी को क्या किया जा रहा है 7 years टू लाइफ टाइम, यानी उसको लाइफ टाइम आजीवन भर, जी हाँ मित्रों आप सही सुन पा रहे हैं, आजीवन भर उस सर्टिफिकेट सी टेट की जो सर्टिफिकेट की जो वैलिडिटी है उसको करने पर विचार चल रहा है, मंथन कर रहा है मित्रों। और यह कदम बेहद सराहनीय सभी शिक्षक साथियों के साथ, शिक्षक बंधुओं के साथ, क्योंकि प्रत्येक शिक्षक साथी को जब ये क्वालिफाई करता है उसके पास जब 7 साल तक यदि वह एग्जाम में नहीं हो पाता है, सेलेक्टेड नहीं हो पाता है तो फिर अगले 7 years के बाद उसको इस टेस्ट को फिर से क्वालिफाई करना है मित्रों। तो आप एक बार इसको क्वालिफाई करेंगे तो आजीवन भर आप आगामी शिक्षक भर्तियों में इससे देख सकेंगे और बैठ सकेंगे। इसका प्रभाव जैसे जो सेंटर का है इसका प्रभाव आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया, यदि ये जो है 7 साल से लेकर आजीवन होता है तो इसका संपूर्ण प्रभाव, सेंटर का जो प्रभाव है वो प्रदेश के जो टेट होते हैं यानी जो यूपी टेट, आदि टेट, आर टेट, उन पर भी इसका संपूर्ण प्रभाव किया जाएगा और संभवतः उन पर भी यह बिल्कुल से लागू कर दिया जाएगा। और उनको भी अधिकतर आप सभी लोग जानते हैं जो भी सेंटर में नीतियां आती हैं वह सीधे एज इट इज उत्तर प्रदेश में यूपी सरकार के द्वारा उसको अप्लाई कर दिया जाता है। यदि इसकी एक वैल्यू आजीवन भर कर दी जाती है तो मित्रों आप सभी ध्यान रखें कि आपका जो यूपी टेट है उसकी भी वैधता आजीवन भर रहेगी मित्रों। यदि आप एक बार उसको क्वालिफाई करेंगे तो जब तक आप शिक्षक भर्ती में जो भी वैकेंसी आएंगी उसमें आप शामिल हो पाएंगे मित्रों। तो इसलिए ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट न्यूज है। और एक और इसमें संशोधन किया जा रहा है जो आप देख पा रहे हैं एजेंडा आइटम नंबर 8 पर, कंसिडरेशन ऑफ द इशू रिलेटेड टू रिविजन ऑफ द नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्सटेंसिंग 3 years इंटीग्रेट बीएड, ठीक है, जो 3 साल की इंटीग्रेट जो नई शिक्षा नीति में होगी, ठीक है, और एमएड डिग्री कोर्स फॉर अपेयरिंग इन टेट एंड एम्प्लॉयमेंट एज स्कूल टीचर, ठीक है, तो इनको भी यह टेट के लिए वैलिड किया जाएगा और एम्प्लॉय हो सकेंगे, ये विद्यालय के शिक्षक बन सकेंगे, इसमें भी कंसीडर किया जाए। तो ये आपके लिए बेहद बड़ी खुशखबरी मित्रों, शीघ्रता से यदि इसको लागू किया जाता है तो आप सभी की जो बार बार सी टेट क्वालिफाई करने की जो आवश्यकता होती है वो नहीं होगी और आप एक ही बार में यदि सी टेट क्वालिफाई करते हैं तो वो हमेशा आपके लिए आजीवन भर वैलिड रहेगा मित्रों। तो ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट न्यूज थी मित्रों, जिसे आप सभी लोग देख पा रहे हैं, जिसे यहाँ से ये सब जो टुडे की सबसे बड़ी लेटेस्ट न्यूज है मित्रों, जिसके वैधता सी टेट की वैधता है जो अब आजीवन भर होने वाली है मित्रों। तो बेहद इंपॉर्टेंट और
खुशखबरी वाली न्यूज है आप सभी के लिए, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अधिक संख्या में सब्सक्राइब करेंगे और पास में बेल आइकन उसको भी प्रेस करेंगे, क्योंकि अब आपके डीएलएड के साथ साथ आपकी शिक्षक भर्तियों के केवीएस यूपीटेट सीटेट आदि एग्जाम्स के लिए भी परिवार आप पूर्ण रूप से हमारा जो स्टूडियो है वो तैयार हो चुका है और शीघ्रता से आपको बेहतर तरीके से एक निश्चित वे में सारी क्लासेज आपको मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। मित्रों अब बात आती है, क्या जो हमारे मित्र बंधु जो सीटेट क्वालिफाई करे हुए बैठे हैं वह उनके संबंध में एक विचार जरूर आएगा, क्या पुराना जो सीटेट हम क्वालिफाई कर बैठे हैं क्या वह उसकी वैधता भी आजीवन होगी, तो उसके संबंध में भी चर्चा करते हैं मित्रों। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि पुराने प्रमाण पत्र भी होंगे मान्य। जी हाँ मित्रों, यदि आपने कोई किसी भी सेशन या किसी भी ईयर का जो सीटेट क्वालिफाई कर रखा है तो यदि ये इनकी एक्सटेंशन वैल्यू आजीवन भर होती है तो ये भी पुराने प्रमाण पत्र जो आपने क्वालिफाई किए हुए हैं, ठीक है, एक दो जितने भी आपने क्वालिफाई किए हैं वह उन सब की भी वैलिडिटी आजीवन भर होने वाली है मित्रों। इसीलिए जो भी मन में क्वेरी है आपके सभी इससे वीडियो के माध्यम से क्वालिफाई हो पाई हूँ मित्रों। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बेहद पसंद आई होगी, यदि वीडियो पसंद आए तो मोर देन लाइक और शेयर करेंगे और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और मित्रों जैसा कि मैंने आपको बताया था हमारा सेकंड चैनल मैथ रीजनिंग गुरु जो आपकी निःशुल्क शिक्षा के प्रति जो ध्येय है हमारा कर्तव्य उसमें कंटिन्यू भागीदारी दे रहा है मित्रों, इसीलिए आप सभी से पुनः निवेदन है कि आप सभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए जहां से मैथ्स रीजनिंग गुरु का लिंक मिलेगा, उस लिंक पर जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक संख्या में इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, उतना प्यार और सपोर्ट आप इस सभी को देंगे इतनी मेरी उम्मीद है और आशा है मित्रों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी आपके शिक्षक संबंधी आपको तुरंत वीडियो के माध्यम से दिया जाएगा मित्रों। तो धन्यवाद आप सभी का, आप सभी का दिन मंगलमय हो, धन्यवाद मित्रों आप सभी।